आज झांसी न्यायालय में संयुक्त शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिला जज और अधिवक्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता भोले बाबू विश्वकर्मा के निधन पर शोक प्रकट किया गया। अधिवक्ता संघ के सचिव प्रणय श्रीवास्तव ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण अधिवक्ता भोले बाबू विश्वकर्मा का निधन हुआ, जो कि झांसी न्यायालय और अधिवक्ता संघ के लिए बड़ी क्षति है। अधिवक्ता शंकर सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भोले बाबू विश्वकर्मा के रूप में एक साथी, एक मार्गदर्शक हमसे दूर चला गया। हम सभी अधिवक्ता उनके परिवार के साथ हैं। कार्यक्रम में स्वर्गीय भोले बाबू विश्वकर्मा के जीवन और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और आत्म शांति हेतु मौन धारण किया। कृपया सम्मानित अधिवक्ता का ध्यान दें। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय श्री भोले बाबू विश्वकर्मा जी के निधन हो जाने के कारण जिला अधिवक्ता संघ झांसी एवं न्याय कर्तालीगढ़ की संयुक्त शोक सभा बुंदेलखंड टुडे न्यूज भी वरिष्ठ अधिवक्ता भोले बाबू विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर भोले बाबू विश्वकर्मा की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। शोक सभा में अध्यक्ष रमेश यादव, प्रणय श्रीवास्तव, पूर्व सचिव केपी श्रीवास्तव, राजेंद्र रावत, महेंद्र जोशी, शंकर सिंह, नरेंद्र खरे आदि उपस्थित रहे। संतोष झा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।